आज का टॉपिक है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो कैंसर की कंट्रोल के लिए और कैंसर की रोकथाम के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था नेशनल लेवल पर, उसको हम कहते हैं एनसीसीपी। और जो कि स्टार्ट किया गया था 1975 में, यानी कि 1975 में ये स्टार्ट किया गया था। कैंसर क्या है? कैंसर एक डेंजरस डिसीज़ कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है सेल का, जो कि अबनॉर्मल सेल्स होती हैं उनका अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, उनका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कैंसर। तो ये एक बहुत ही डेंजरस डिसीज़ कंडीशन है, जिसकी रोकथाम के लिए हमने क्या किया है, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन दी 1975 में। तो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है रिलेटेड कैंसर डिसीज़, और इसके अलावा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, अर्ली डिटेक्शन करना है कैंसर के लिए, और उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है उन लोग को जिन लोग जो है असमर्थ होते हैं, जो जैसे कि ट्रीटमेंट के लिए कैंसर के एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के लिए, तो उन लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इसलिए ये नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था। अब हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें थ्री लेवल में क्या किया गया था, प्रोवाइड की गई थी ये जो सर्विसेज हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो प्रोवाइड की गई थी। तो प्राइमरी लेवल पर था कि प्रोहिबिट यूजेस ऑफ टोबैको, यानी कि जो भी लोग टोबैको का यूज़ करते हैं, जो लोग टोबैको का सेवन करते हैं, उनको क्या किया गया वहाँ पर, जो टोबैको यूज़ है उसको प्रोहिबिट किया गया, यानी कि उसको बंद किया गया। नेक्स्ट था प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, और लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की गई कि अगर वो टोबैको चिंग करते हैं तो क्या हो सकता है, जो माउथ कैंसर की जो डिसीज कंडीशन है वो कॉज हो सकती है, माउथ कैंसर की कंडीशन देखी जा सकती है। तो इस प्रकार हेल्थ एजुकेशन उन लोग को दिया गया, जिससे कि क्या हो सके, जो कैंसर है वो प्रिवेंट हो सके, वो रुक सके। नेक्स्ट सेकेंडरी लेवल था, यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने क्या किया, जो डायग्नोसिस ऑफ थ्रोट माउथ एंड ब्रेस्ट, तो इस प्रोग्राम के तहत सेकेंडरी प्रिवेंशन में डायग्नोसिस किया गया था, यानी कि जो भी टेस्ट किए गए थे किसके, माउथ के लिए और माउथ थ्रोट और ब्रेस्ट के लिए, जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर की जिसमें सिम्टम नज़र आ रहे हैं मे बी, तो उनका क्या किया जाए, उनको पहले से ही उनका डायग्नोसिस किया जाए, जिससे कि आगे चल के वो सीवियर ना हो और जो सेकेंडरी टर्शरी लेवल पर वो कैंसर की स्टेज है वो ना पहुँचे। इसके अलावा टर्शरी प्रिवेंशन में था कि स्ट्रेंथनिंग द इन्वॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में, जो तो उनको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि क्या हो सके, न्यू इक्विपमेंट आ सकें और न्यू फॉर्म ऑफ मेडिसिन जो है वो मिल सकें, इसके साथ ही साथ लोगों को क्या मिल सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, जिससे कि उनको प्रॉपर जो है प्रॉपर वे में उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, तो कैंसर की डिसीज कंडीशन जो है वो ट्रीट हो सकती है। नेक्स्ट अप फॉर जनरल ट्रीटमेंट एंड सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट, यानी कि सर्जरी के लिए, इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट के लिए, और जो रेडियोथेरेपी यानी कि रेडियोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं उन सारे ट्रीटमेंट्स के लिए क्या किया गया था, स्ट्रेंथन किया गया था इन्वॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे कि ज़्यादा हेल्प मिल सके लोगों को और ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कीम्स के बारे में। तो जो स्कीम्स थी, जो इस प्रोग्राम एनसीसीपी के अंडर जो भी स्कीम्स स्टार्ट की गई थी, वो थी, फर्स्ट थी रीजनल कैंसर सेंटर स्कीम्स। इसमें क्या किया गया था, रीजनल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पर क्या किया गया था, जो कैंसर के सेंटर्स थे उन वो स्टार्ट किए गए थे, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन हो सके, जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हो सके, अर्ली डिटेक्शन हो सके, जिससे कि बेटर ट्रीटमेंट पहले से मिल सके। नेक्स्ट था ऑन्कोलॉजी विंग डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या था कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, यानी कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट हो उसके लिए बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकें और जो फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल हो सकें टाइम पर, उसके लिए किया गया था। नेक्स्ट परचेजिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो भी इक्विपमेंट हैं वो परचेज किए जा सके, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। नेक्स्ट था डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें था हेल्थ एजुकेशन देना था और इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन करना था कैंसर के सिम्टम्स का। नेक्स्ट था डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इनवॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या किया गया था, इसके अकॉर्डिंग जो IEC यानी कि जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की टेक्निक्स के थ्रू जो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, उनको जागरूक किया गया, उन लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई थी कि कैसे आप अर्ली स्टेजेस में ही जो है डायग्नोसिस करवा के और बेटर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट था
रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो रिसर्च और ट्रेनिंग में क्या था कि रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इसके अलावा जो रिसर्च एक्टिविटीज़ थी वो करवाई गई, इनके अलावा मॉनिटरिंग की गई थी, कहाँ पर सेंट्रल लेवल पर मॉनिटरिंग की गई, रिसर्च एक्टिविटीज़ स्टार्ट की गई थी और ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए जिससे कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया गया और साथ ही साथ रिसर्च की गई, न्यू जो मेडिसिन है उनकी फाइंडिंग्स की गई और जो अच्छी तरह यानी कि जो बेटर लेवल की जो प्रिवेंशन थी उनके लिए रिसर्च की गई। इसके अलावा मॉनिटरिंग की गई, जो भी केस मिल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की गई कि किन एरियाज़ में जो है किन केसेस मिल रहे हैं, तो उन सारे केसेस के लिए क्या किया गया था, मॉनिटरिंग की गई थी, डिटेक्शन किया गया था अर्ली में ही जिससे कि लोगों तक अगर उनका अर्ली डिटेक्शन हो सके तो इससे क्या हो सकता है, उनको अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो जाए जिससे कि उन लोग जो सर्जिकल या फिर जो रेडियोग्राफिकल जो भी ट्रीटमेंट है वो उनको प्रोवाइड हो जाए जिससे कि वो जो कैंसर की डिसीज कंडीशन है उससे वो लोग बच सकें। तो आज हमने बात की थी नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जो कि स्टार्ट किया गया था 1975 में, जिनमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन के आधार पर जो है इसमें ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे जिनमें कि हेल्थ एजुकेशन था, इंफॉर्मेशन था, कम्युनिकेशन था जिससे कि कम्युनिकेशन करके लोगों को बेटर जो वेज हैं वो बता सके कि किस तरह से आप टोबैको चिंग ना करें, साथ ही साथ आप लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस कर सकते हैं जिनके थ्रू क्या हो जो कैंसर से प्रिवेंट हो सकें और उनको उन लोग में अवेयरनेस फैलाई गई। नेक्स्ट था कि स्कीम्स स्टार्ट की गई थी जिन स्कीम्स के थ्रू क्या किया गया था, स्ट्रेंथन किया गया था उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि इन्वॉल्व थी इस प्रोग्राम में जिससे कि क्या हो सके, इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी हो सके और बेटर ट्रीटमेंट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो सके टाइम पर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस टॉपिक के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें और जो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपको बेटर नोट्स मिल सके। थैंक यू।